लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, आइए 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 आइए। बधाई हो। थैंक यू। बधाई हो। शादी मुबारक हो। प्लीज सिट डाउन। कांग्रेचुलेशंस। मुबारक हो। थैंक यू। तुम लोगों को इतनी देर कैसे हो गई? और योगेंद्र कहां पर है? नहीं आ सका। नहीं आ सका? वो नहीं आ सका। रुक जाइए पंडित जी, माघ महीने में जो शादी का मुहूर्त है आप उसे निकाल कर रखिए। क्या हो गया जगन? मेरे दोस्त के पिताजी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, मुझे जाना होगा। दोस्त के मुसीबत में जो दोस्त काम आए वही इंसान इस दुनिया में सच्चा दोस्त कहलाता है। तुम जाओ, गुड लक। थैंक यू। तुम मेरी दोस्ती की कदर को जानती हो। मैं बहुत ही किस्मत वाला हूं कि तुम मेरी बीवी बनोगी। मैं बस आया। मैं सुहागरात मनाने के बजाय यहां पर तुम्हारे घर का लाइट ऑन कर रहा हूं, यही सोच रहे हो ना योगी? जगन, यू आर अ फूल, ब्लडी इडियट। तुम्हारे डैडी मेरे डैडी नहीं है क्या? तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ नहीं है क्या? हाँ, तुम रोगे तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? असल दोस्ती के मायने जैसे तुम भूल ही गए हो योगी। भगवान ने इंसान के लिए कितने सारे रिश्ते बनाए, माँ बाप भाई बहन, और इन सबसे ऊपर एक और रिश्ता बनाया। उस अनमोल रिश्ते का नाम है दोस्ती। दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं होता। दोस्ती के खातिर लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत कुछ। जो बात अपनी पत्नी से नहीं कह सकते वो अपने दोस्त से कह सकते हैं। अपने दिल का बोझ उसके सामने हल्का कर सकते हैं। अपनी दोस्ती में तो कोई भेदभाव नहीं था। यूनिवर्सिटी में सीनियर जूनियर होने के बावजूद हमारी दोस्ती पर उस चीज का कभी कोई असर नहीं हुआ। मुझे लॉयर बनाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने आशीर्वाद दिया था, तो उन्हें तकलीफ में देखकर मैं भला कैसे शादी कर लेता, बोलो? तो क्या तुमने शादी नहीं की? शादी की डेट आगे बढ़ा दी और मैंने ठान लिया कि हर हाल में पिताजी को छुड़ा कर ही रहूंगा। कोर्ट में मैं भगवद गीता रखकर सबसे सच्चाई बुलवाऊंगा और उसी भगवद गीता को साक्षी मानकर आज मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि पिताजी को बेगुनाह साबित करके ही दम लूंगा। जगन, मैंने आज तक किताबों और ग्रंथों में ही पढ़ा और सुना था कि लोग अपना काम धंधा छोड़कर दोस्तों की मदद करने के लिए आते हैं, पर आज तूने ये बात सच साबित कर दी। मैंने नहीं सोचा था तुम अपनी शादी छोड़कर आओगे। तुम मेरी मदद करने के लिए आए हो, मेरी जान तुम्हारे लिए हाजिर रहेगी। योगी, हम दिलवाले हैं। प्रोसीड। आपका नाम क्या है? सत्यमूर्ति वकील बाबू। रघुनंदा जी के पास आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? यही करीबन 30 साल से वकील बाबू। परसों 12 तारीख को रात को 8 या 8:30 बजे आप लोग कहाँ थे? हम लोग रघुनंदा जी के घर पर थे वकील बाबू। रघुनंदा जी के घर पर थे, यही कह रहे हैं? बोलिए। मैं उनके साथ गेस्ट हाउस पर गया था। उधर कौन था? तुलसी। हाँ, तुलसी। तुलसी, रघुनंदा जी और तुलसी का क्या संबंध है? बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो लड़की इनकी नाजायज औलाद है? प्लीज नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। हाँ, उसके बाद क्या गेस्ट हाउस के अंदर गए थे? मैं नहीं गया था वकील बाबू, सिर्फ रघुनंदा जी अकेले ही अंदर गए थे। आप क्यों नहीं गए? मुझे उन्होंने मना कर दिया। थैंक यू। दैट्स ऑल योर ऑनर। आपका नाम? शंकर नारायण सर। रघुनंदा जी को आपने किस सबूत के आधार पर गिरफ्तार किया? जहाँ खून हुआ था वहाँ मुझे एक ग्लव्स मिला है और ये ग्लव्स रघुनंदा जी का है, उन्होंने ये खुद कबूल किया है। रघुनंदा जी की तुलसी नाजायज औलाद थी, तुलसी की वजह से इनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती थी, इसीलिए अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में इन्होंने उसका गला घोटकर उसको मार दिया।
ताकि समाज में इनकी इज्जत बनी रहे। पुलिस ने इसी सबूत के आधार पर इनको गिरफ्तार किया है। इन्होंने प्लान बनाकर बहुत ही बुरी तरह से अपनी ही नाजायज बेटी की हत्या कर दी और इसके लिए इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसी मैं कोर्ट से दरखास्त करता हूं। That's all your honor. मुझे आशीर्वाद दीजिए योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट दिस योर ऑनर। केस लड़ने की जगह पर ये डिफेंस लॉयर जज साहब से आशीर्वाद क्यों मांग रहा है? इनडायरेक्टली ये आपसे फेवर मांगकर मस्का लगा रहा है। मुझे लगा था कि माहौल सिर्फ दिल्ली में गर्म है मिलॉर्ड, लेकिन इस शहर में तो उससे भी ज्यादा गर्म है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए आशीर्वाद मत मांगिए। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर दिल्ली से केस लड़ने आया हूँ, वो भी इनके जैसे लीडिंग क्रिमिनल लॉयर के सामने। यही वजह है कि मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ योर ऑनर। देंगे ना? ओके, माय ब्लेसिंग्स आर विद यू, प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि धर्मा सिंह जी को कटघरे में बुलाया जाए। योर ऑनर, गवाही की लिस्ट में धर्मा सिंह जी का नाम नहीं है। आई नो दैट योर ऑनर। धर्मा सिंह जी ने 24 घंटे पहले योगेंद्र जी को बिना लाइसेंस के रिवॉल्वर से मारने की कोशिश की। आईपीसी सेक्शन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यह अटेम्प्ट टू मर्डर वाला केस हो जाता है। जैसे आज से 6 साल पहले इन्होंने योगेंद्र जी को फंसाया था। अरे, उस केस से इस केस का क्या संबंध है? खुद धर्मा सिंह जी से क्यों ना पूछ लिया जाए। आई नीड योर परमिशन योर ऑनर। ग्रांटेड। आपका नाम? अभी तो नाम से बुलाया मुझे, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई के लिए आपको खुद बताना जरूरी है। धर्मा सिंह। और घर का नाम? डी। डी मतलब? घर के नाम से इस केस का क्या संबंध है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा योर ऑनर। आई कैन एक्सप्लेन दैट योर ऑनर। नाम से चरित्र का पता चल जाता है, क्योंकि उसी नाम से कुछ लोग मशहूर होते हैं और उस नाम से इस केस का संबंध है। ओके, प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। आप अपने घर का नाम बताइए। दुर्जन का बेटा। योर ऑनर, ये केस बिल्कुल आपको एक मर्डर केस की तरह नजर आ रहा है। 6 साल पहले रामकृष्ण का जो मर्डर हुआ था और आज जिस तुलसी का मर्डर हुआ है, ये दोनों केस सेम है मिलॉर्ड। इनका बस एक ही मोटिव है, रिवेंज। मुझे लगता है उस वक्त रघुनंदा जी ने जो फैसला इनके पिताजी जनार्दन के खिलाफ सुनाया था, उसी का बदला लेने के लिए इन लोगों ने योगेंद्र जी को रामकृष्ण हत्या में फंसाया। और आज जब रघुनंदा जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, तो धर्मा सिंह और उनके साथी मिलकर रघुनंदा जी को तुलसी हत्या में फंसा रहे हैं। ये तो मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मिस्टर जस्टिस, मैं कोर्ट से इजाजत चाहूंगा कि इंस्पेक्टर पांडे को यहां पर गवाही के लिए बुलाया जाए। इंस्पेक्टर पांडे, जिस वक्त मिस्टर धर्मा सिंह जी अपने पिता की अस्थियों को गोदावरी नदी में बहाने जा रहे थे, तो आप वहाँ पर गए थे क्या? गया था सर। क्या हुआ था वहाँ पर? मिनी कुरुक्षेत्र जैसा हो गया था सर। दुर्जन का बेटा पीछे हट गया, नहीं तो वर्ल्ड वॉर होता। वर्ल्ड वॉर हो जाता? वो क्या है धर्मा, तुम अपने बाप की अस्थियों को गोदावरी नदी में नहीं डाल सकते, नहीं तो नदी अपवित्र हो जाएगी, ऐसा योगेंद्र ने कहा। योगेंद्र से ये डरते हैं क्या? वो क्या है, योगेंद्र दिलवाला है ना, उसको लाखों लोगों का सपोर्ट है सर। जाने से पहले धर्मा सिंह ने क्या? धर्मा सिंह ने बोला था कि जिस दिन तुम्हारे पिताजी गुजर जाएंगे, उस दिन तुम्हारे पिता की अस्थियों को नदी में बहाने से ठीक 1 मिनट पहले मैं अपने पिता की अस्थियों को नदी में बहाऊंगा। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। तो बात यह है योर ऑनर, धर्मा सिंह जी ने आपसे रंजिश की वजह से ही रघुनंदा जी को तुलसी के हत्याकांड में फंसाने के लिए खुद उसके हत्या कर दी मिलॉर्ड। मैं और हत्या? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, उसी तरह से बोल रहे हैं आप। बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। I object this your honor. I may be excused your honor. इस केस के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस साजिश का पर्दाफाश करूं। May I continue? Yes, continue. पहले जिस तरह से योगेंद्र जी को फंसाया गया था, उसी तरह से रघुनंदा जी को भी फंसाने की कोशिश कर रहा है ये धर्मा सिंह। ये झूठ है योर ऑनर, और योगेंद्र को फंसाने का इल्जाम जो मुझ पर लगाया जा रहा है वो भी झूठ है योर ऑनर। मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ देर के लिए कोर्ट रूम की लाइट्स ऑफ कर दिए जाए। वजह? प्लीज पुट अप द लाइट्स। बात यह है, जनार्दन सिंह मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिताजी की वजह से वो मुख्यमंत्री बन नहीं पाया, इसलिए तुम्हें झूठे केस में फंसाकर तुम्हारे बाप से बदला लिया। हाँ।
योर ऑनर, कुछ देर पहले इस अदालत ने एक पुलिस ऑफिसर की गवाही सुनी है और रिकॉर्डिंग में भी आपने एक पुलिस ऑफिसर की गवाही सुनी है। अब इस केस में एक और पुलिस ऑफिसर की गवाही चाहिए। उस पुलिस ऑफिसर को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए इस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। कौन है वो? इस जिले का एसपी। अच्छा तो एसपी साहब, इस केस को जब डीएसपी साहब देख रहे हैं तो आप इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? कटघरे में जो खड़ा है वो न्यायमूर्ति है, इसलिए मैंने सोचा कि इस केस में मैं खुद इन्वॉल्व हो जाऊं। ताकि इसलिए कि असली मुजरिम को छुपा दिया जाए। असली मुजरिम तो कटघरे में खड़ा है। एफआईआर क्या आपने बिल्कुल परफेक्ट लिखा था? बिल्कुल सर। जब एफआईआर में इंस्पेक्टर पांडे ने लिखा है कि मर्डर आउटहाउस में हुआ था, तो पुलिस के कुत्तों को आउटहाउस के बजाय रघुनंदा जी के घर पे क्यों भेजा? इस तरह से एफआईआर के साथ छेड़छाड़ की। कोई जानबूझकर आउटहाउस में रघुनंदा जी का एक ग्लव छोड़कर चला गया ताकि पूरा शक उन पर चला जाए और बेवजह वो इस केस में फंस जाए, है ना? आप कहाँ रहते हैं? मैं आउटहाउस के बाजू में रहता हूँ। रघुनंदा जी जब वहां पर आए थे तो आप वहां पर थे? जी नहीं। मतलब उनके आने के बारे में आपको पता था? हाँ पता था। 30 साल तक आप सरकारी नौकरी जरूर करते रहे, लेकिन रघुनंदा जी को फंसाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। पैसों की लालच में आकर आपने इनका ग्लव जाकर धर्मा सिंह जी को दे दिया, क्योंकि आपने अपनी बेटी की शादी के लिए जज साहब से पैसे मांगे थे। आपकी आदतों को जानकर उन्होंने आपको पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए धर्मा सिंह जी से आपने सौदा किया और धर्मा सिंह जी ने आपकी बेटी के लिए बहुत सारे पैसे दिए। ये सच है कि नहीं कि उसी पैसे से आपने अपनी बेटी की शादी के लिए जेवर खरीदे? मैं सच कह रहा हूं ना? ये सिद्धि विनायक ज्वेलर से खरीदे हुए गहनों का डुप्लीकेट बिल है। मेरे पास और एक है, ये चंदना क्लॉथ से खरीदे हुए कपड़ों का डुप्लीकेट बिल है। टोटल परचेस वैल्यू 1,33,000। योर ऑनर, एग्जिबिट बी एंड सी के तहत मैं आपको ये सौंप रहा हूं। सत्यमूर्ति जी, रघुनंदा जी ने आपकी बेटी की शादी के लिए आपको बहुत सारे पैसे दिए थे, लेकिन आपने वो गवा दिए, आपने खर्च कर दिए, जुए और शराब में खर्च कर दिए, एम आई राइट? रघुनंदा जी को कनक लक्ष्मी नाम की औरत से आप ही ने मिलाया था कि आप उन्हें ब्लैकमेल कर सकें। यू आर ए परफेक्ट ब्लैकमेलर। आप में पैसों की लालच इतनी बढ़ गई कि रघुनंदा जी को फिर से फंसाने के लिए इनका ग्लव्स ले जाकर आप धर्मा सिंह जी को देकर आ गए। योगी और तुलसी की शादी की झूठी बात कहकर आप रघुनंदा जी को गेस्ट हाउस में लेकर गए ताकि आप लोगों के सारे प्लान्स कामयाब हो सके। क्या ये सब बातें सही है या गलत, बताइए। योर ऑनर, डिफेंस लॉयर गवाह को बहला फुसलाकर उससे झूठी बात निकलवाना चाहते हैं। हेलो हेलो माय डियर लॉयर, ये कोई दूध पीते बच्चे नहीं है कि लॉलीपॉप देकर झूठ उगलवा लूं। इनकी आंखों से जो पश्चाताप के आंसू निकल रहे हैं वो इसी बात का सबूत है कि इन्होंने जुर्म किया है मिलॉर्ड। Am I right, Mr. सत्यमूर्ति? अगर देखा जाए तो सत्यमूर्ति जी आप अपराधी नहीं है। धर्मा सिंह जी ने किस लिए वो ग्लव्स वहां से मंगाए थे ये आपको पता ही नहीं है। आपकी गलती सिर्फ इतनी है कि आपने उन्हें वो लाकर दे दिए, है ना? आप बताइए सत्यमूर्ति जी, सच्चाई क्या है? ये बिल्कुल सही है साहब, बिल्कुल सही है। मैंने जो जघन्य अपराध किया है उस पाप का प्रायश्चित मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे, मुझे माफ नहीं करेंगे। आप रोइए मत, आपने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की है। दरअसल ये सिस्टम गलत है। इन समाज के ठेकेदारों ने पुलिस वालों के साथ मिलकर रघुनंदा जी को फंसाने की कोशिश की। मिस्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू समथिंग। इट इज नॉट राइट फॉर अ पुलिस ऑफिसर ऑफ योर स्टेचर टू डू सच फॉल्स मैनिपुलेशंस रिगार्डिंग दिस केस। A police officer is supposed to be the watchdog of justice, a servant to the society. But instead, you choose to put your personal matters above your profession and take revenge against this man. A man who is a law-abiding citizen, who always put his profession above his personal sentiments. Mr. Ashok, by stooping down to such a lower level and agonizing such a just man, you're proven to be a shame to the total police department of this country. Your Honor, सच्चाई कोर्ट के सामने आईने की तरह साफ नजर आ रही है। हमारे देश में जहां पर कौरव पैदा हुए हैं वहां पर गांधी जी भी पैदा हुए हैं। धृतराष्ट्र जैसे लोग कोर्ट के बाहर होने चाहिए, कोर्ट के अंदर नहीं। भारत देश की उन्नति के लिए इन जैसों का होना जरूरी है। इनके जैसे ईमानदार इंसान को जस्टिस के कुर्सी पर ना बैठने देने की पुलिस और समाज के ठेकेदारों की बहुत गहरी साजिश है। इन्हें निर्दोष करार दिया जाए यही मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है। दैट्स ऑल योर ऑनर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का फैसला सुनने के बाद तुलसी हत्या केस में रघुनंदा जी बिना अपराध किए इस कोर्ट में खड़े हैं। उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया है,
इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि रघुनंदा जी को बाइज्जत बरी किया जाए। मिस्टर जगनमोहन ने यह केस लड़ने से पहले मुझसे अपना पहला केस लड़ने के लिए जो आशीर्वाद मांगा था, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आपने तो पहले केस में ही कमाल कर दिया। यू आर टैलेंटेड, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू योर ऑनर, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड।